Hi guys, welcome back to my channel. I am Sakshi and I'm back with yet another vlog. And today is Good Friday and we are in Munnar. So Munnar is a hill station in Kerala. क्योंकि हमारा ये लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा था, गुड फ्राइडे सैटरडे एंड संडे इज बाय डिफॉल्ट ऑफ, सो वी थॉट ऑफ गोइंग समवेयर एंड वी केम अप विद मुन्नार. क्योंकि हम यहाँ पे कभी आए भी नहीं है एंड केरला इज सच अ ब्यूटीफुल स्टेट टू विजिट अनडाउटेडली. हमें कहीं ठंडी जगह जाना था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो हमने सोचा चलो मुन्नार चलते हैं. सो हियर वी आर इन मुन्नार. बैंगलोर से हम कल अराउंड 10 बजे निकले थे. मॉर्निंग में हम 9:30 बजे यहाँ पे पहुँचे, होटल में चेक इन किया, फ्रेशन अप हुए और अब हम बाहर निकल चुके हैं घूमने के लिए. सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट विच इज अ प्योर वेज रेस्टोरेंट. आई विल मेंशन द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, प्लीज हैव अ लुक, कम अलॉन्ग विद मी. So we had lunch at this place called Annapurna restaurant, which is a pure veg restaurant. We ordered chili paneer and dal rice and masala papad, I guess. Yeah, that's right. So उतना मज़ा नहीं आया खाने में, मतलब एवरेज था. तो अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं एंड आपको नहीं समझ आ रहा है कहाँ आपको खाना चाहिए खाना, तो फिर आप वहाँ जा सकते हैं. बट अगर और ऑप्शंस हो तो प्लीज़ एक्सप्लोर कर लीजिएगा. हालांकि मैं भी आपको बताते चलूँगी मैं कहाँ कहाँ खाना खा रही हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो वेजिटेरियन. So we have also booked a taxi for whole day for sightseeing. और जिस बस से हम travel कर रहे थे उन्हीं के through हमको ये taxi मिला है, Royal Travels के through. And हमको per day ये 2000 rupees charge कर रहे हैं, तो आज का 2000 कल का 2000, तो 4000 rupees in total. Which area are we going in? Cochin direction. Okay. How much time does it take to trek on these mountains? In the noon morning 6 o'clock starting, then afternoon return back to the afternoon 1 o'clock. Okay, okay. तो सबसे पहले हम जा पहुंचे इस बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट पे. यहाँ पे आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं जिसमें ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे लग जाते हैं. When Arijit Singh said सफर सुहाना है मंजिल से भी, he meant मुन्नार. रास्ता बहुत सुंदर है, पहाड़, टी प्लांटेशन, पानी, झरने, सब कुछ बहुत सुंदर है. आप सब जगह रुक के फोटोज क्लिक कराएं. तो इसके बाद हमने गवर्नमेंट स्पाइस गार्डन विजिट किया. आई नो इट साउंड्स अ लिटिल ओल्ड स्कूल, मम्मी पापा के साथ जाने वाली जगह, बट नहीं, यू मस्ट विजिट दिस प्लेस. यार सच में हमने यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखी जिनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था. जैसे कि ये इलायची का पेड़, इलायची की फार्मिंग कैसे होती है वो हमें बताया गया. हमने लौंग का पेड़ भी देखा. ये तो डार्क ग्रीन हो जाता है, उसी टाइम हम निकाल के उसको यूज करता है. अच्छा, भी कट लगा तो इसका रस डाल देंगे तो रुक जाएगा, वो ब्लड क्लॉट आ जाता है. रेड सैंडल है ये. इसका क्या प्राइस बोले आप? 5 रुपीज पर ग्राम. अच्छा. ये देखो फ्लावर, ये फ्लावर होता है, फ्लावर के नीचे इलायची आ जाते हैं. 150 years old. सो इन देयर गवर्नमेंट अप्रूव्ड शॉप दे सेल एवरीथिंग ऑर्गेनिक, फ्रॉम कोको पाउडर टू चंदन एंड ऑल अदर ऑर्गेनिक मेडिसिंस एज वेल. तो मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पे जाएं और बहुत सारी चीजें खरीदें. हमने भी बहुत सारी चीजें खरीदी थी जो मैं आपको कभी और किसी और वीडियो में दिखाऊंगी. उसके बाद वी स्टॉप्ड एट दिस ब्यूटीफुल वाटरफॉल. दिस इज अ लैंडस्लाइड प्रोन एरिया एंड दैट इज व्हाई यू आर नॉट अलाउड टू गो नियर द वाटरफॉल. In Munnar, the Kathakali performance and the martial art performance is really famous, and since we have not seen it yet, we wanted to actually experience that. So we have already booked tickets. अभी हमने आते आते ही बुक कर दिया क्योंकि हो सकता है रात में हमें टिकट नहीं मिलता. टिकट प्राइस इज 500 रुपीज पर पर्सन फॉर बोथ द परफॉर्मेंसेज. सो बेसिकली वी हैव पेड 2000 रुपीज. The performance starts in the evening. 5 to 6 is Kathakali and 6 to 7 is the martial art program. इसके पहले हम स्पाइस प्लांटेशन विजिट किए और वहाँ से बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिंस भी लेकर के आए. द नेक्स्ट स्टॉप इज जिप लाइन. सो देयर इज अ जिप लाइन, जंगल है पूरा और नीचे पानी है. सो आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस दैट, कम विद मी गाइस. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जिप लाइन्स दैट आई हैव बीन ऑन. बहुत मजा आया. 700 रुपये पर पर्सन था. मैंने अकेले ही किया, निशान डिन वॉन्ट टू डू इट. बट आपको तो पता है ना गाइस कि मैं कितनी फन लविंग और एडवेंचरस हूँ, तो मैंने तो किया और मुझे बहुत एंजॉय किया. सो द प्लान वॉज टू एक्सपीरियंस हॉट एयर बलून. हमें भी नहीं पता था कि मुन्नार में हॉट एयर बलून भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. दिस इज समथिंग रियली न्यू टू मी. सो द कैब दैट वी हैव हायर्ड, ही इज एक्चुअली, हिज नेम इज कार्तिक एंड ही इज एक्चुअली हेल्पिंग अस इन एक्सप्लोरिंग प्लेसेस.
Yeah. No, his name is not Kevin. Kartik. Kartik. His name is Kartik, yeah. So, he is helping us in exploring places. So, he told us ki yahan pe hot air balloon bhi hota hai. But the problem is ki humne 5 baje Kathakali ka show book kiya hai aur 5 baje hi ye open hoga. To isiliye humne ise kal ke liye postpone kar diya hai. So, if you are in Munnar, please don't forget to experience hot air balloon. It's, so, the timings are 7 to 12 in the morning and then 5 to 7, I think. Yes. So 5 to 7 is the timing. So keep watching, because in this video I'll also be covering my experience so that you know how wonderful it was. तो वो बोलते हैं ना कि जिसने पहाड़ों वाली मैगी नहीं खाई उसने कुछ नहीं खाया. तो बस हम भी यहाँ रुके, टी प्लांटेशन देखते हुए चाय पी, मैगी खाई और उसके बाद कथकली परफॉर्मेंस देखने के लिए चले गए. परफॉर्मेंसेस बहुत ही अमेजिंग थे, मतलब पहली बार हमने देखा और लिटरली गूजबम्स आ गए. आई वुड रिकमेंड दिस 20/10. उसके बाद हमने ये केरला का लोकल मार्शल आर्ट देखा, पुनर्जनी ग्रुप ने परफॉर्म किया था ये. बहुत सारे फाइट्स थे, स्टंट्स थे, फायर स्टंट्स भी थे जो कि सबसे ज़्यादा अमेजिंग थे. We are back. I have changed as well, and that's Nishant dancing. So we are now planning to go for dinner. हमने सोचा था कि होटल में ही कर लेंगे, तो अभी जाके देखते हैं अगर यहाँ पे कुछ अच्छा होता है तो we'll have it here. So otherwise there are few restaurants near our hotel which are really good. उनका rating बहुत अच्छा है, so we're gonna go and try them. तो चलो चलते हैं. तो लेट मी टेल यू कि मुन्नार की चॉकलेट्स भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं. ये सारी हैंडमेड चॉकलेट्स हैं. हम इस दुकान पे रुके और हमने बहुत सारी चॉकलेट्स खरीदी. तो दे ऑफर वाइड वेराइटी ऑफ चॉकलेट्स लाइक वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, नट्स कोटेड इन चॉकलेट एंड शुगर फ्री टू. उसके बाद हम इस रेस्टोरेंट पे गए जिसका नाम है अली बाबा, जो कि हमारे होटल के जस्ट बगल में था. बट अनफॉर्चुनेटली 8:30 बजे ही यहाँ पे सब कुछ सोल्ड आउट था. तो हम फिर इवेंचुअली अपनी होटल में आए और वहीं पे खाना खाया जो कि बहुत अच्छा था. कैन यू लुक एट दिस मिस्ट ऑन द डोर पैनल्स? रात में बहुत ठंड थी और मैं इतना ठंड तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी. सो गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज डे 2 इन मुन्नार एंड लाइक आई टोल्ड यू येस्टरडे कि हम हॉट एयर बलून के लिए जाने वाले थे, बट इट वॉजंट अवेलेबल, द टाइमिंग्स वर नॉट मैचिंग. एंड हमने आज मॉर्निंग का स्लॉट बुक कर लिया था, तो अभी हम जा रहे हैं. अभी 7:30 बज रहे हैं, हमने 8 बजे का स्लॉट बुक किया है. ऑफकोर्स बहुत मुश्किल हुई सुबह उठने में क्योंकि यहाँ बहुत ठंड थी और हम थक भी बहुत गए थे, बट समहाउ वी मैनेज्ड एंड वी आर ऑन द वे. सी यू गाइस देयर. तो इसका चार्ज है 1000 रुपीज़ पर पर्सन, जो कि थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा क्योंकि हम हार्डली 5 या 6 मिनट हवा में थे. बट व्यू इज़ 100/10, तो यू मस्ट डू इट. एंड दैट काउबॉय हैट इज़ नॉट आर्स, वो फायर से हमारे हेड और हेयर को प्रोटेक्शन मिली इसलिए हमें दिया गया था. सो आर होटल्स नेम वॉज कासा मोंटेना एंड कॉस्टेड आर 7000 रुपीज़ पर नाइट. Breakfast was quite good too. It's a good place to stay near the city center. I did not add the room tour kyunki video bahut zyada lamba ho raha tha, but room was nice with a good view of tea plantation. Finally left for the sightseeing today. Had our breakfast. So this tour is called top tour and yahan pe sirf ek hi road hai up down ke liye, to ye bahut zyada rush hai aaj because long weekend plus weekend anyway yahan bahut zyada traffic hota hai kyunki this is the season jab log Munnar aate hain. To agar आप भी इस समय आने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा अर्ली निकल जाइएगा क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ स्पॉट्स मिस कर जाएं कंसिडरिंग द ट्रैफिक. सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू माटुपट्टी डैम एंड आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग बट आई कांट हेल्प इट. सो कार्तिक हु इज हेल्पिंग अस इन विजिटिंग प्लेसेज, ही टोल्ड अस दैट वी कैन ऑल्सो डू अ एलिफेंट राइड देयर. सो आई एम एक्साइटेड. So we are in Madhupati Dam right now and यहाँ पे boating आपको available है. So there are 2-3 kinds of boats. एक तो kayaking कर सकते हैं आप यहाँ पे, दूसरा आप paddle boat कर सकते हैं जो कि हम कर रहे हैं अभी.
उसके बाद आप यहाँ पे जेट स्की भी कर सकते हैं और कॉरिकल राइड भी कर सकते हैं. तो ये आपका चॉइस है, वॉट एवर यू आर कम्फर्टेबल इन यू कैन डू दैट, बट इट इज अ मस्ट डू एक्टिविटी, यू कैन नॉट स्किप इट, जस्ट नॉट स्किप इट. I mean guys, look at the view. और मौसम इतना सुंदर है, बहुत ही प्यारी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे. और ना लकीली धूप भी कम हो गई है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. तो इसके बाद थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो हमने पीनट चाट खाया और थोड़ी सी कच्ची कैरी खाई और फिर हम गए इको पॉइंट के लिए. तो नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा इको पॉइंट क्या है. यहाँ पे लोग क्या खतरनाक चिल्ला रहे थे ना, आई कांट इवन टेल यू, बट इट वॉज ब्यूटिफुल. आप यहाँ पे भी बोटिंग कर सकते हो, बट मुझे वो वाला स्पॉट ज़्यादा बढ़िया लगा. उसके बाद हम इस फोटो पॉइंट स्लैश व्यू पॉइंट पे रुके, जहाँ से बहुत ही प्यारा टी प्लांटेशन का व्यू था. So we just got done with the elephant ride. Morning में जब हमने tickets लिया था तब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, around 2 घंटा waiting थी. तो we thought कि जितनी देर हम यहाँ पे wait करेंगे उससे better है कि we will go explore some other spots and then we can come and do this elephant ride. But हम इतना late हो गए that we had to come back and again wait for another 1.5 hours. And बस फाइनली हमने enjoy किया राइड. It was worth experiencing once. अच्छा लगा, it was a short ride. So what we were wondering is कि भाई ऐसा क्या है इसमें खास कि 2-2 घंटा wait कर रहे हैं लोग. Pricing भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा, 700 rupees per person, जो कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा. And सिर्फ 10 मिनट का भी राइड नहीं है वो, 20 मिनट्स बोलते हैं पर घुमाते नहीं है, जस्ट 20 मिनट्स राइड. एंड एलिफेंट्स भी बेचारे इतने थके हुए लग रहे थे, तो आई जस्ट फेल्ट अ लिटिल बैड फॉर देम. बट या इफ यू गाइज वॉन्ट टू ट्राई इट आउट, इफ यू वांट टू कम विद योर फैमिली एंड ट्राई इट आउट वंस, यू कैन ऑलवेज डू दैट. सो विद दिस आवर ट्रिप कम्स टू एन एंड. रास्ते में रुक करके हमने अमेजिंग डोसा खाया विद लॉट ऑफ चटनीज एंड सांबर. उसके बाद हम एक अमेजिंग सा सनसेट इंजॉय करते हुए मुन्नार से वापस आ गए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. I will see you soon with another video. Till then, bye-bye.